27 तारीख को संपन्न हुए सापला नगर पालिका के चुनाव की मतगणना कल यानी 30 तारीख को होनी है। क्या है तैयारियां, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस समय हम जो स्ट्रॉन्ग रूम है जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उसके सामने खड़े हुए हैं। ये अंदर स्ट्रॉन्ग रूम हम आपको दिखा सकते हैं, बाकायदा लिखा हुआ है एमसी सांपला जनरल इलेक्शन 2020 ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं और हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं और इन स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम मशीनें कल सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, तो मतगणना केंद्र पर पहुँचेंगी और वहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। अब हम आपको दिखा देते हैं कि मतगणना केंद्र जो बनाया गया है उसको भी दिखा देते हैं। ये मतगणना केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, अंदर तक चलेंगे। क्या क्या तैयारियां हैं इस मतगणना को लेकर के, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूं कि जिस तरीके से सूचनाएं हैं कि कुल जो है 4 राउंड की ये काउंटिंग होगी और पूरे हरियाणा में सांपला नगर पालिका में सबसे ज़्यादा मतदान 81.5% मतदान हुआ है। तो आप देखें, ये काउंटिंग की तैयारियां हैं, बाकायदा ये टेबल लगाई गई हैं। हम आपको दिखाएं कि 8 टेबल, 4 टेबल इस साइड में हैं और 4 टेबल दूसरी साइड में हैं, तो कुल 8 टेबल लगाई गई हैं और इन 8 टेबल पर ये काउंटिंग होगी। 4 राउंड में ये काउंटिंग की जाएगी और कल सुबह यहाँ पर पूरा स्टाफ मौजूद होगा और यहाँ जो है इस चुनाव में 6 प्रत्याशी जो हैं चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। और इसके अलावा 15 वार्डों में 40 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो सबसे ज़्यादा मतदान इस नगर पालिका में हुआ है। ये आप देखें, एक लंबी कतार यहाँ पर टेबल्स की लगाई गई है, तो शायद ये एजेंटों के बैठने के लिए या जो चुनाव के प्रत्याशी होंगे, जो भी प्रत्याशी हैं चाहे वो चेयरमैन के हैं या काउंटिंग एजेंट हैं, उनके बैठने के लिए स्थान निर्धारित किया है। और कोविड-19 की गाइडलाइन सारी जो है उनकी पालना करवाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये पूरा एक हॉल है और उस हॉल में जो कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत ही ये पूरी तैयारियां की गई हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है, जो स्ट्रॉन्ग रूम है उस पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चुनाव की तैयारियाँ और सुबह काउंटिंग शुरू होगी, तो 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और उम्मीद यही है कि दोपहर तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और जिन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद है वो किसके सिर पर ताज होगा, वो 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक लगभग तय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस बार नगर पालिका चुनाव भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ रही है, हालांकि और किसी भी पार्टी ने सिंबल पर लड़ने का दम नहीं दिखाया। तो देखना यह है कि कल लगभग दोपहर 12 बजे तक किसके सिर पर सांपला नगर पालिका का ताज होता है और कौन पार्षद चुनकर आते हैं। हालांकि 2 वार्ड जो 14 नंबर और 5 नंबर वार्ड है वहां सर्वसम्मति से पार्षद बन चुके हैं, बाकी जो पार्षद बनेंगे तो लगभग 12 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ इंतज़ार यही है कि जब ईवीएम मशीनों से बीप की आवाज़ काउंटिंग के लिए निकलने लगेगी तो प्रत्याशियों की भी धड़कन बढ़ेगी और देखेंगे कि किसके सिर पर नगरपालिका सांपला का ताज सजता है। सांपला नगरपालिका का चुनाव संपन्न हो चुका है और कल उसकी गिनती होनी है और फिलहाल की अगर बात करें तो 6 चेयरमैन पद के प्रत्याशी मैदान में हैं और इसके अलावा 40 पार्षद पद के प्रत्याशी 15 वार्डों के लिए मैदान में हैं। हमारे साथ सतीश यादव जी हैं जो इस चुनाव के अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी हैं। कल काउंटिंग होनी है, उस काउंटिंग को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं बात करते हैं। सर, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न रहा, ये सबसे बड़ी राहत की बात रही। अब काउंटिंग शुरू होगी कल, तो किस तरह की तैयारियां उसके लिए और आप लोगों ने क्या तैयारियां की? काउंटिंग के लिए हमारी सभी तरह की तैयारियां हैं। हमने BDO ऑफिस का जो हॉल है, बड़ा हॉल, उसमें हमने काउंटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। 8 टेबल्स हमने वहाँ पर लगाई हैं और पुलिस की नीचे सभी तरह की व्यवस्था है, जिससे कि सिर्फ इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट वहाँ जाके मतगणना देख सकते हैं। सर, कोविड का काल चल रहा है तो ऐसे में एजेंट और कैंडिडेट्स को क्या काउंटिंग के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं? हमने उसके भी सभी तरह के इंतजाम किए हुए हैं।
मास्क हम सभी को प्रोवाइड करवाएंगे, सैनिटाइज़र भी हैं और थर्मल स्कैनर का भी उपयोग होगा, उन्हीं को हम अलाउ करेंगे। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को भी हमने डायरेक्शंस दी हैं कि वो SOP का पालन करें कोविड 19 का, और हॉल के अंदर अपना मोबाइल या कोई भी अन्य चीज़ें लेकर नहीं आए, हम उनको कागज़ और पेंसिल पेन हम प्रोवाइड करवाएंगे। सर चुनाव में क्या क्या, अगर इस चुनाव की बात करें, कितने वार्डों के लिए चुनाव हो रहा है, कितने प्रत्याशी मैदान में और कितना टोटल मतदान हुआ है? हमारे यहाँ पर टोटल 15 वार्ड हैं जिसमें 16 बूथ बनाए गए थे। प्रेसिडेंट के लिए 16 बूथ के लिए इलेक्शन हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे 5 और 14 वार्ड में जो मेंबर्स हैं वो अनअपोज्ड इलेक्टेड हो गए थे, इसलिए उसमें इलेक्शन नहीं हुआ। तो 14 वार्ड हैं जो मेंबर्स के लिए हैं, उनकी काउंटिंग होगी। तो चेयरमैन पद के लिए कितने प्रत्याशी हैं टोटल? टोटल 6 प्रत्याशी हैं चेयरमैन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो अभी EVM मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या, क्योंकि सेटिस्फाई करना होता है प्रत्याशियों को, उनके एजेंट्स को, तो उसके लिए आप लोगों ने किस तरह की तैयारी की है? हमने स्ट्रॉन्ग रूम बनाया हुआ है, उसकी 3-लेयर सिक्योरिटी IRB और हरियाणा पुलिस कर रही हैं, और जब हमने उसको सील किया था तो तभी सभी प्रत्याशियों को हमने इन्वाइट भी किया था और वो आए भी थे, उनके प्रेजेंस में हमने उसको सील किया है और वो रेगुलरली उसको इंस्पेक्ट भी कर रहे हैं। हमने CCTV कैमरे लगाए हुए हैं तो उसकी 24 आवर्स उसकी निगरानी हो रही है और किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। एक CCTV अब भी हमने देखा कि कई जगह लगाए जा रहे हैं, तो क्या वो एजेंट्स को वहाँ का एरिया दिखाने के लिए तैयारियाँ हैं? नहीं, एजेंट्स के लिए हमने अलग से नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ये है कि कुछ जो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम बाहर देख सकें, काउंटिंग का नहीं है लेकिन जो अभी तक उसमें है, अगर वो बाहर सिक्योरिटी का ज़्यादा वो चाह रहे थे कि हम बाहर से ही देख सकें, तो उसके लिए हमने डायरेक्शन दी थी सेक्रेटरी MC को। सर चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो पब्लिक भी आ जाती है अपने प्रत्याशियों के साथ, तो उनके लिए क्या इंतजाम है, क्या वो कितने प्रीमिसेस से कितना बाहर रहेंगे, क्या दिशा निर्देश है? हमारा जो प्रीमिसेस है उसमें सिर्फ इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट्स को ही अलाउ करेंगे, बाकी पुलिस ने व्यवस्था कर दी है कि दूर उनका जो पार्किंग है वो उसकी व्यवस्था भी की है जिससे कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, और सभी को ये डायरेक्शन भी दी गई है कि COVID-19 के SOP का पालन सभी करें। तो ये थे खापला नगर पालिका के चुनाव अधिकारी सतीश यादव जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो काउंटिंग होनी है उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और यहाँ पर 8 टेबल लगाई हैं और 4 राउंड में ये गिनती होगी, तो उम्मीद है कल दोपहर 12 बजे तक सारे नतीजे सामने आ जाएंगे और जिस तरीके से जो एजेंट, काउंटिंग एजेंट हैं या कैंडिडेट हैं, उनको COVID-19 की जो हिदायतें हैं COVID-19 को लेकर उनका पालन करना जरूरी है और सारे दिशा निर्देश दे दिए गए। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV, सांपला नगर पालिका। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर, हमारे साथ लाइव।